लीडरशिप, आप यदि केवल सर्विस में रहेंगे तो अमीर नहीं हो सकते। तो इसलिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के जो लोग हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप का, उद्यमशीलता के लिए जो लोन लगता है, जो ट्रेनिंग लगती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आप पैदा करते हो, जो प्रोडक्ट बनाते हो, उसको मार्केट करना, क्योंकि मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के एंटरप्रेन्योर्स के लिए या कोई भी और नए एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए एपीआई की सरकार करेगी। चौथा, संपत्ति। आप गरीब क्यों हैं? आप गरीब क्यों हैं? आप गरीब इसलिए क्योंकि आपके पास संपत्ति नहीं है। आपके पास शिक्षा हो गया, नौकरी आई, फिर भी आप गरीब है। क्यों गरीब है? एंडाउमेंट्स नहीं है, आपके पास संपत्ति नहीं है। दो तरह की संपत्ति होती है, एक होती है फिजिकल एसेट्स, एक होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। यानी एक होता है जमीन, घर, सोना, गहना, ये होती है एक संपत्ति। दूसरी संपत्ति होती है बॉन्ड्स, शेयर्स, इक्विटीज एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, यानी फाइनेंशियल एसेट्स, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। भारत में यदि मेरी सरकार बनती है तो मैं भारत के हर परिवार को गरीबी तो समाप्त कर दूंगा 10 साल के अंदर, लेकिन 10 साल के भीतर कम से कम मैं हर परिवार को संपत्ति होल्डर बना सकता हूं, संपत्ति होल्डर बना सकता हूं। चाहे आपके पास 10 करोड़ 20 करोड़ ना हो, लेकिन एपीआई की सरकार बनती है तो मैं आप लोगों को कम से कम 10 साल के भीतर, आज आपके पास 1 रुपया भी नहीं होगा तो आज मैं आपको 10 साल के भीतर 1 करोड़ का मालिक बना सकता हूं, 1 करोड़ का मालिक 10 साल के भीतर मैं बना सकता हूं। इसको एंडोमेंट नीति कही जाती है। क्या एंडोमेंट नीति है? बहुत आसान है, मैंने एक जमीन का तरीका बताया कि जिनके पास जमीन नहीं, जमीन खरीद के दो। दूसरी नीति है, क्या नीति है? जिनके पास बॉन्ड्स, इक्विटी, शेयर नहीं है, जो प्राइवेट कंपनी के मालिक नहीं है, ऐसे तमाम भारत के परिवारों को सरकार के बजट से, एससी एसटी ओबीसी के सब प्लान से जो पैसा ज्यादा दिया जाएगा उससे शेयर, बॉन्ड्स, इक्विटीज और फिक्स डिपॉजिट्स खरीद के दो। हर परिवार के नाम पर 10-20 लाख का, 30 लाख का जो है वो शेयर, बॉन्ड, इक्विटी खरीद के दो, वो ऑटोमेटिकली 10 साल में 10-20-30 लाख का जो है वो 1 करोड़ होता है। और साथ में जमीन दे दो, साथ में एजुकेशन दे दो और जॉब्स दे दो, 10 साल के भीतर भारत में गरीबी तो दूर, भारत का हर आदमी यूरोप के आदमी के तरह अमीर होगा। ये नीति जो है वो अंबेडकर हाइट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार कर सकती है। वो पैसा कहां से आएगा आप मुझे पूछोगे? साहब भारत में तो पैसा नहीं है, और मैं कहता हूं भारत में बहुत पैसा है, भारत गरीब देश नहीं है। इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री, इंडिया इज अ रिच कंट्री विद पुअर पीपल, इंडिया इज अ रिच कंट्री विद पुअर पीपल। आप पूछो कैसे? मैं बोलता हूं कि यदि मेरी सरकार बनी तो ये 100 लाख करोड़ रुपया जो काला धन इन लोगों ने दबा के रखा है, अगर 100 लाख करोड़ नहीं भी निकला तो मैं 5 साल के अंदर इनके पास से कम 70-80 लाख करोड़ रुपया निकाल लूंगा। कितना निकाल लूंगा? 70-80 लाख करोड़ निकाल लूंगा, बजट में आ गया, वो पैसा आपको दे दूंगा। ये बाकी माध्यमों से, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट अकाउंट में नहीं। आपको शिक्षा है, जमीन है, घर है और शेयर्स है, ये आपको खरीद कर दे देंगे तो आप जो है आप अमीर होने लग जाएंगे। और वो जो ज्यादा अमीर हो गए थे वो अमीर रहेंगे लेकिन थोड़े दिन जेल में भी जा सकते हैं, ये भी उनके ऊपर नौबत आ सकती है, थोड़े दिन जेल जाना पड़ेगा, बाकी मिनिमम पैसा रहेगा उनके पास। एक बात। दूसरी, भारत के धार्मिक संस्थाओं में फिर 100 लाख करोड़ की संपत्ति है। अरे भैया ये घंटी बजाने के लिए इतना पैसा क्यों लगता है? तो ये 100 लाख करोड़ के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए कम से कम 40% का, तो 100 लाख करोड़ में से 40 लाख करोड़ वापस आ जाता है। ये दूसरा फॉर्मूला है मैं जो आपको बता रहा हूँ। भारत के हर व्यक्ति की टाइटल, एंटाइटलमेंट, यानी जो जमीन है, जो पट्टा आपके नाम पे नहीं है, जो संपत्ति नाम पे नहीं है, उसका रिकॉर्ड बना के अगर आपके नाम पर दे दिया जाए तो आप उसको बैंक लोन के लिए चाहे तो डिपॉजिट रख सकते हैं, उससे पैसा निर्माण होगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स। और यदि भारत का जीडीपी ग्रोथ 8-10% बढ़ता है तो उससे भी पैसा आएगा। भारत में पैसे की कमी नहीं है, भारत में बहुत पैसा है, हम 11वें नंबर पर नेशनल संपत्ति में है, हम
पांचवें नंबर पर अभी सकल घरेलू उत्पाद में आ रहे हैं, ब्रिटेन पीछे जा रहा है, हम आगे आ रहे हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी में हम थर्ड नंबर पर है। भारत की यह समस्या नहीं कि हमारे देश में पैसा नहीं है, हमारी समस्या यह है कि 1% लोगों के पास 85% संपत्ति हो गई है। इसको हमें बदलना होगा। जिस दिन इसको बदलने की नीति आएगी, भारत में 10 साल में गरीबी समाप्त हो जाएगी, विषमता कम हो जाएगी। और ये काम आज तक ना इंदिरा गांधी कर सकी, ना अटल बिहारी वाजपेयी कर सके, ना देवी गौड़ा कर सके। ये काम ना राहुल गांधी कर पाएगा, ना नरेंद्र मोदी कर पाएगा। अगर कोई काम ये कर सकता है तो वो आदमी आपके आगे बैठा हुआ है। उसको जो है आपको इस देश का जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाना होगा और एपीआई को सत्ता में लाना पड़ेगा, तब जाके ये बातें सफल होगी।